हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैलेडोस्कोप कैसे बनाते हैं। वो पहले कैलेडोस्कोप क्या होता है वो तो मालूम होना चाहिए ना। तो कैलेडोस्कोप क्या होता है कि इक्वल साइज का, रेक्टेंगुलर शेप का इक्वल साइज का मिरर चाहिए। तीन मिरर चाहिए आपको, और वो तीन मिरर को प्रिज्म शेप में या ट्रायंगुलर शेप में, एक ऐसा करके ट्रायंगुलर शेप में रख के उसके अंदर से आप देखोगे तो आपको अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेगा। तो इसको कैलेडोस्कोप बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आगे आपको वीडियो में ये कैलेडोस्कोप कैसे बनाते हैं पता चलेगा। तो इसको इधर देखिए मिरर दिखता है ना, मिरर ऐसा 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 मिरर दिखेगा आपको, ऐसा मिरर दिखेगा इधर, और इसका एक एक एंड में ओपन रहेगा। आप चाहिए तो इसको एक ट्रांसपेरेंट शीट से बंद कर सकते हैं। मैंने इधर इसको बंद नहीं किया है, ट्रांसपेरेंट शीट से बंद नहीं किया है, ताकि क्या रोशनी की तरफ आप, लाइट की तरफ आप देखोगे तो इसमें लाइट आएगा। और एक एंड में होल रखा है, ये होल के अंदर आप देखोगे तो आप होल के तरफ, होल से आपको इस एंड से कोई एक पैटर्न रख के वो रोशनी आएगा तो इसमें पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसको एक एंड से ऐसा 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 आपको एक आंख बंद करके ऐसे आपको देखना है, एक आंख बंद करके आपको ऐसे देखना है इसको, तो आपको पूरा पैटर्न दिखेगा। आप कोई भी एक पैटर्न सामने रख के ऐसा मोबाइल में या किसी में भी एक प्रिंटेड पैटर्न या कुछ सामने ऐसे रखोगे और ऐसे देखे हुए तो आपको पैटर्न दिखेगा। जैसे मैं अब मेरा हाथ ऐसा रख रहा हूँ और रोशनी की तरफ ऐसे देखूंगा ना, लाइट की तरफ देखूंगा ना, तो मेरा हाथ का ऐसा पैटर्न बनेगा। तो इस जैसे मैं देख रहा हूँ तो साइड में आपको वीडियो में दिखेगा कि अलग अलग पैटर्न्स जो मैंने ऑलरेडी देख रिकॉर्ड करके रखा है वो भी मैं साइड में ऐसे वीडियो में दिखाऊंगा आपको। जिसने भी अभी मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं आपको इस कैलेडोस्कोप कैसे बनाते हैं, जो मैंने बनाया है वो कैसे बनाते हैं आपको दिखाता हूँ। पहले तीन मिरर लीजिए इक्वल साइज का, रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में, देखिए इसको कैसे रख रहा हूँ मैं। ऐसा रखते जाइए आप, एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे वीडियो में दिख रहा है ना वैसे ही आप रखते जाइए। देखो मैंने कैसे रख के उसको हाथ से पकड़ा है, हाथ से पकड़ के मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, देखिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलोटेप से जोड़ रहा हूँ। सेलोटेप से जोड़िए, हर एक पीस को जोड़िए, नहीं तो निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर तीन पीस को जोड़ रहा हूँ। अभी एक साइड में जोड़ा मैं, अभी दूसरे साइड को हल्के से छोड़ के दूसरे साइड को फ्री कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं सेलो टेप से वापस जोड़ रहा हूँ। एक साइड को जोड़ के अभी दूसरे साइड में जोड़ रहा हूँ। वो जोड़ के देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ। तीनों पीस को बराबर से जोड़ना है, जैसे ट्रायंगुलर शेप में, जैसे प्रिज्म शेप में रख के, देखिए ऐसे ट्रायंगुलर शेप में रख के तीनों पीस को बराबर से जोड़ना है। जोड़ के मैं अभी बीच वाले हिस्से को बड़ा सा सेलो टेप से रोल करके जोड़ रहा हूँ, ताकि क्या वो मजबूती से रहे, और मजबूती से रहे ताकि चिपके, नहीं तो निकल जाएगा। इसके लिए मैं इसको अच्छी तरह से जोड़ के चिपका के रख रहा हूँ, देखिए मैं कैसे। और मैं दोनों एंड को अभी और बड़ा सा टेलो टेप से रोल करके चिपका रहा हूँ। एक एंड को चिपकाया मैं, अभी मैं दूसरे एंड को भी रोल करके बड़ा सा सेलो टेप से चिपका रहा हूँ, ताकि क्या ये मजबूती से रहे, निकल ना जाए। देखिए कैसे मैं जोड़ दिया उसको मजबूती से चिपके, तो ये जोड़ के रह गया वहाँ पे अच्छी तरह से, ठीक है। देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, अभी ये मजबूती से निकलेगा नहीं,
और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार्डबोर्ड पीस लिया, एक ट्रायंगलर शेप का कार्डबोर्ड पीस लिया, और वो कार्डबोर्ड पीस को मैंने ऐसे ऐसे बॉक्स के तरह ट्रायंगलर शेप में बॉक्स बना दिया, ट्रायंगलर शेप में बॉक्स बना दिया, और उसको सेलो टेप से जोड़ दिया। अभी देखो सेलो टेप से मैंने अच्छे से जोड़ के चिपका के रख दिया है। ट्रायंगलर शेप का एक बॉक्स बना हुआ है, और उसमें मैंने क्या किया, जो मैंने मिरर मैंने चिपका के ट्रायंगलर शेप में चिपका के रखा था उसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये देखिए कैसे मैंने डाल दिया है, ठीक है। अभी मैंने उस बॉक्स को अच्छी तरह से सेलो टेप से मैं चिपका रहा हूँ, ताकि क्या वो मैं एकदम मजबूत होके रहे। देखिए मैं कैसे उसको बॉक्स को चिपका रहा हूँ, ये ऐसे चिपकाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो निकल जाएगा, एकदम हल्के से चिपकाएगा तो। इसके लिए क्या, अभी मैं देखो इसको मैं वापस अंदर डाल रहा हूँ, मिरर को वापस अंदर डाल रहा हूँ। देखिए मिरर को मैंने वापस अंदर डाल दिया, अभी अच्छे से मजबूती से रह गया। मैंने क्या किया, साइड में थोड़ा पैकिंग दिया है, मजबूती से निकलेगा नहीं है एकदम, ठीक है। अभी मैं क्या कर, बॉक्स का दोनों एंड को क्लोज करना है, तो दोनों एंड को क्लोज करने के लिए मैं ऐसे दोनों साइड में कार्डबोर्ड का पीसेस लिया है। एक पीस को मैं छोटा सा होल दिया है, दूसरा ट्रायंगलर शेप में कट किया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंड को मैं इस कार्डबोर्ड पीस से बंद कर रहा हूँ, कार्डबोर्ड पीस से बंद कर रहा हूँ। ऐसे मैं रख के उसको सेलो टेप से जोड़ के मैं कार्डबोर्ड पीस को बंद कर रहा हूँ। देखिए मैं कैसे कार्डबोर्ड पीस को बंद कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं सेलो टेप से अच्छे से चिपका के, अच्छे से चिपकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि वो निकल जाएगा। तो मैंने एक साइड चिपकाया है और दूसरा चिपकाने वाला हूँ। देखिए अच्छे से चिपक गया है, और दूसरा एंड को मैंने अभी चिपका रहा हूँ, मैं अभी चिपका रहा हूँ। देखिए मैं कैसे चिपकाता हूँ, और जहाँ से रोशनी पास होने वाला है वो साइड भी मैं अभी चिपका रहा हूँ। देखिए मैं कैसे चिपका रहा हूँ, ये देखिए अच्छी तरह से मैं सेलो टेप लगा के उसको एकदम पकड़ में चिपका रहा हूँ। अभी देखिए मैंने चिपका दिया, अभी ये मेरा एक्चुअली कैलाइडोस्कोप बन गया है। अभी देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए वो मिरर दिख रहा है आपको अंदर, ये मेरा कैलाइडोस्कोप बन गया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक एंड को एक मोबाइल में पैटर्न था, वो मोबाइल नीचे रख के इस कैलाइडोस्कोप ऊपर रख के उसके अंदर से देख रहा हूँ, तो तभी आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग पैटर्न बन रहा है। ये देखिए कैसे अलग अलग पैटर्न बन गया है, अलग अलग पैटर्न बन गया है। देखिए एकदम मस्त दिख रहा है, अभी अलग अलग पैटर्न बन गया है अच्छे से देखिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर वगैरह करना ना भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ना लाइक कमेंट और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।